नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। केवलारी, बिना शिकायतकर्ता के रात्रि में लगभग 2 से 3 बजे के बीच में हर्षित बघेल को कानीवाड़ा पुलिस के द्वारा उठा लिया जाता है, आखिर क्यों? आईटी सोशल मीडिया जिला सचिव एवं एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष कानीवाड़ा के कांग्रेस के कार्यकर्ता हर्षित बघेल पर हुई या नहीं 151 के तहत कार्यवाही, आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। 13 अक्टूबर की रात्रि लगभग 12 बजे हर्षित बघेल के द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट की जाती है। उस पोस्ट में हर्षित के द्वारा केवलारी विधायक का बिना नाम लिए विधायक राकेश पाल को निकम्मा बताया जाता है। हर्षित अपने पोस्ट में लिखते हैं कि केवलारी विधानसभा में भी उपचुनाव करवा दीजिए साहब, जब से जीते हैं तो अपने क्षेत्र में आए ही नहीं है, और कुछ अभद्र शब्द का उपयोग किया जाता है। इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए कानीवाड़ा थाना प्रभारी अजय मरकाम जी के द्वारा हर्षित को रात्रि में लगभग 2 से 3 बजे के बीच घर से उठाकर थाने लाया जाता है। हालांकि हर्षित बघेल के द्वारा अपने पोस्ट में विधायक जी का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिखा गया, मगर हर्षित के द्वारा किया गया पोस्ट पूरी तरह केवलारी विधायक राकेश पाल की तरफ इशारा करता है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हर्षित बघेल को कानीवाड़ा पुलिस के द्वारा आधी रात में घर से थाने लेकर आना उचित था। हर्षित ने बताया कि रात्रि लगभग 3 बजे मुझे पुलिस वालों के द्वारा थाने ले जाया गया और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जबकि उस वक्त मेरे खिलाफ किसी ने शिकायत नहीं की थी। मेरी शिकायत 14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ग्राम के ही आगा खान के द्वारा की गया, जब संपूर्ण घटनाक्रम में समय जगत की टीम के द्वारा थाना प्रभारी अजय मरकाम जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हर्षित पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है, और हर्षित का कहना है कि मेरे ऊपर कानीवाड़ा पुलिस के द्वारा 151 के तहत कार्यवाही की गई है और मेरी जमानत मुचलके में राशि 5,000 के तहत राजीव जैन जनपद सभापति के द्वारा ली गई। यदि हर्षित के ऊपर 151 के तहत कार्यवाही हुई है तो इस पर थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, क्योंकि 151 की धारा गुंडा एक्ट होती है जिसका आईटी क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। आखिर किसके दबाव में थाना प्रभारी आधी रात को हर्षित को घर से उठा लेते हैं, फिर सोशल मीडिया एक्ट के नियम विरुद्ध धारा 151 गुंडा एक्ट लगाकर कार्यवाही कर देते हैं, जबकि हर्षित पर पुलिस को 294 के तहत कार्यवाही करना था। कंटेंट भारतीय दंड संहिता के आधार 294 सार्वजनिक रूप से अश्लील कृत्यों या शब्दों के लिए दंड देती है। भारतीय दंड संहिता के अन्य खंड जो अश्लीलता से निपटते हैं वे 292 और 293 हैं। जनपद सभापति राजू जैन का भी कहना है कि कानीवाड़ा पुलिस के द्वारा हर्षित पर 151 के तहत कार्यवाही की गई है। इस पूरे मामले पर एनएसयूआई ने कहा कि यदि कानीवाड़ा पुलिस के द्वारा हमारे कार्यकर्ता से कार्यवाही वापस नहीं ली जाती है तो समस्त कांग्रेस कमेटी उग्र आंदोलन करेगी। जब शिकायत 14 अक्टूबर को हुई तो फिर 13 अक्टूबर की रात्रि में ही हर्षित को कानीवाड़ा पुलिस के द्वारा क्यों उठा लिया गया? ऐसे कई सवाल हैं जो थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में लाते हैं। थाना प्रभारी के द्वारा जब हर्षित को 24 में उठाया गया था तो उस पर कार्यवाही करना था तो 294 के तहत ना कि 151 के थाना प्रभारी मध्यस्थता हो जाने की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सी वजह है जिसके कारण हर्षित के साथ थाना प्रभारी को मध्यस्थता करनी पड़ी? हर्षित बघेल को केवलारी के पूर्व विधायक ठाकुर रजनीश सिंह का काफी करीबी माना जाता है। अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में पूर्व विधायक रजनीश सिंह की क्या प्रतिक्रिया आती है। हेलो सर जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते जी। सर मैं समय जगत न्यूज चैनल से भाई बिट्टू जखम बात कर रहा हूँ। कहाँ से भाई साहब? सर बिट्टू जखम बात कर रहा हूँ सर, समय जगत से। स्वामी जगत के स्ट्रीमी? जी जी। हाँ बताइए। सर एक्चुअल में युवा कांग्रेस आईटी सेल के जो सचिव हैं हर्षित बघेल, अभी उनका स्टेटमेंट मिला था हमको, तो उन्होंने कहा कि बेवजह मुझे आधी रात में थाने में ले जाया गया जिससे मुझे काफी मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, तो उसी मामले में आपसे जानकारी चाहिए थी कि आखिर मामला क्या था कि उसको आधी रात में उठाया गया। उन्होंने विधायक जी के विरुद्ध एक अशोभनीय टिप्पणी की थी, उसको जांच के लिए बुलाया था। जी जी, बस इतनी सी बात थी और बाकी कुछ नहीं। तो सर फिर मामला कायम किया गया आपके द्वारा आईटी की जो धाराएं? मामला कायम नहीं किया, नहीं नहीं कोई धाराओं में कायम नहीं की गई। गाँव वाले और आगे इन्हीं के दोनों पक्षों के, तो उसको समझाइश दे के जी जी रवाना कर दिया, कोई कायम ही नहीं हुई है। जी जी। तो सर आधी रात के बजाय अपन सुबह भी उठा सकते थे उनको, मतलब ये जो आईटी की धारा होती है सर 294 के तहत, आप सुबह भी कार्रवाई कर सकते थे उसको बुला के। आधी रात में ऐसी कैसी क्या परिस्थिति बनी कि जिससे आपको आधी रात में उठाना पड़ा उसको?
स्थिति बन गई थी ऐसे कि कोई लॉ ऑर्डर ना हो, इसलिए एहतियातन पुलिस को करना पड़ता है कई बार। जी 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 ठीक है सर, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। हेलो। हेलो कौन? मैं खबर समय जगत न्यूज चैनल से भाई बिट्टू जखम बात कर रहा हूँ, आदरणीय राजू जैन सभापति। जी भाई साहब बोले। जैसा कि अभी आईटी सेल सचिव है जो अर्शद बघेल, इनको कान्हीवाड़ा पुलिस के द्वारा आधी रात में उठा लिया गया था। आईटी कोई क्राइम किए थे उन्होंने, विधायक महोदय जी के खिलाफ जो टिप्पणी किया था उसने फेसबुक पर, तो उस संबंध में थाना प्रभारी जो है अजय मरकाम जी, जी उनका स्टेटमेंट आया है कि हमारे द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, गांव वाले आ पहुंच गए थे सुबह होते ही, तो मध्यस्थता हो गया था, हमारे बीच में समझौता हुआ था। तो हर्षित का भी अभी मुझे स्टेटमेंट मिला, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारी जमानत राजू जैन जी के द्वारा की गई है, 151 पर मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है। ये तो सच है कि 151 मुचलके की जमानत जो होती है जी वो मेरे नाम से हुई है 5000 के नीचे मुचलके में। अच्छा, 5000 के मुचलके में आपके जमानत पर हर्षित को छोड़ा गया है? छोड़ा गया है और आंगनाले जी ने लेखा पाली कर रहे हैं। तो आप कांग्रेस के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जब असंवैधानिक तरीके से आपके कार्यकर्ता पर इस तरह की कार्रवाई पुलिस प्रशासन कान्हीवाड़ा के द्वारा की जाती है, तो आप लोगों का क्या प्रयास रहा फिर कान्हीवाड़ा पुलिस के? हम लोग भी गए थे करने के लिए, बैठक हुई थी हमारी। जी जी। और जब बात में बोला कि कार्रवाई होगी तो हम लोग उठ के आ गए थे वहां से। जी 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 कार्रवाई के बाद ये नहीं मालूम कि कार्रवाई हुई है तो कौन सी धारा लगी, मेरे 151 के तहत लिखा पड़ी मेरे नाम से हुई मुझे। जी 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 ऐसा क्या उसकी कुछ कॉपी वगैरह उपलब्ध है आपके पास? नहीं, कॉपी उन्हें दिए नहीं है। मैंने बोला था एक फोटोकॉपी देते नहीं, ऐसा बोल दिया। जी जी बिल्कुल, वो न्यायालय के शरण में पेश करते हैं, वहाँ फिर न्यायालय से जमा मतलब चलान वगैरह पेश होता है, एडीएम के पास चलान होता है। ठीक है सर, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी। नमस्कार, मैं आईटी सेल का जिला सचिव एनएसपी का ब्लॉक अध्यक्ष हर्षित बघेल बोल रहा हूँ। आप पर गंभीर आरोप लगे हैं कि जो जनमत से चुनकर आए हैं प्रतिनिधि राकेश पाल जी, उनके खिलाफ आपने अभद्र टिप्पणी की है। देखिए सर, मेरे द्वारा एक फेसबुक में पोस्ट डाली गई थी जो बिल्कुल संवैधानिक पोस्ट थी, ये बदले की राजनीति से काम हुआ, और ये मेरी पोस्ट न किसी की भावना को आहत हुई, न किसी के दिल में ऐसी चोट लगी, न किसी उनका मैंने नाम लिखा, न किसी का पता लिखा। पोस्ट में इशारा था, पोस्ट ऐसी संवैधानिक पोस्ट थी, पोस्ट में कुछ गलत नहीं था मेरे हिसाब से, और यदि मेरी पोस्ट में गलत था तो मेरे ऊपर आईटी एक्ट की धारा लगनी चाहिए थी, 151 धारा लगाई गई जो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। न मेरे द्वारा किसी को मानहानि हुई या कुछ हुआ, पर जो प्रशासन ने मेरे ऊपर कार्रवाई किया, रात में 2 बजे घर से उठा के ले जा लिया गया और मेरा फ़ोन रख लिया गया थाना में, मेरे परिवार वाले को बताने दिया गया, मेरे मित्रजनों को बताने दिया गया कि मेरे को अंदर कर दिया गया, किस जुर्म अंदर किया गया। रात में 2 बजे पुलिस मेरे को अंदर करती है और सुबह 10 बजे आवेदन दिया जाता है इनके मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए। ये कहाँ का उचित है, ये कार्रवाई कहाँ तक उचित है? मैं आपके माध्यम से प्रशासन तक, हाईकमान तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो प्रशासन है, पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, ये बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं। कान्हीवाड़ा TI अजय मरकाम जी का कहना है इस बिंदु पर कि आपने विधायक महोदय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, इसकी वजह से हमने उन्हें उठाए थे आधी रात में, लेकिन आईटी की धारा 294 के तहत वो सुबह भी कार्रवाई कर सकते थे। मित्रों, ये आधी रात में हर्षित बघेल को जिस तरह से कान्हीवाड़ा पुलिस ने उठाई है वो असंवैधानिक तरीके से उठाई है, ये लॉ एंड ऑर्डर इसकी परमिशन नहीं देता है। हर्षित के द्वारा कोई बड़ा क्राइम नहीं किया गया था जिसके लिए आप उसे आधी रात में उठाते हैं, और जैसा कि कान्हीवाड़ा पुलिस का कहना है, आदरणीय अजय मरकाम जो कि थाना प्रभारी, उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना था कि गांव के कुछ लोग आ गए थे, उस बीच में मध्यस्थता बनी और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इस बिंदु पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे, मध्यस्थता की बात है, गांव के कुछ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रेहान पटेल साहब, आदरणीय सुरेश चाचा जी, आदरणीय राजू भैया, ये मेरे इनको जैसे सुबह पता चला कि ऐसी ऐसी कार्रवाई हुई है तो ये थाना पहुँचे, फिर ऊपर उन्होंने बात करके कि सॉरी माफ़ीनामा लिखवा, मैंने माफ़ीनामा लिखने तैयार था, पर मेरे ऊपर 151 की कार्रवाई की गई, मुझे मुचलका पे छोड़ा गया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ये बात है कि साहब आप हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं, हम सुबह जाते हैं, रात में हमको आप गाली उपतार बकरा, रात भर हमको थाना में ढाल रहे हो, ना मैं मर्डर करा था, ना किसी गलत करा था, कार्रवाई राजनीति में तर्क वितर्क चलते, मेरी पोस्ट संवैधानिक थी और मैं इसमें अड़ा रहूँगा, और बात आगे तक जाएगी, यदि मेरे ऊपर कार्रवाई वापिस नहीं हुई तो उग्र आंदोलन तैयार रहे प्रशासन। हर्षित बघेल का कहना है कि उन्हें आधी रात में कान्हीवाड़ा पुलिस के द्वारा उठाया गया,
उन्हें प्रताड़ित भी किया गया, अब शब्दों से प्रताड़ित किया गया ना आपको, और उसके साथ साथ हर्षित का कहना है कि मेरे ऊपर 151 की जो धारा होती है, गुंडा एक्ट होता है 151, उसके तहत कार्रवाई की गई है। यदि आईटी क्राइम में टीआई साहब ने 151 की धारा के तहत कार्रवाई की है तो इससे ये इनकी न्याय प्रणाली पर संदेह होता है कि इन्होंने जरूर किसी नेता के दबाव में आकर हर्षित के ऊपर 151 की धारा के तहत कार्रवाई की है। और आप इस बात की पुष्टि कैसे करेंगे कि 151 की धारा पर टीआई साहब ने आप पर कार्रवाई की है? सर देखिए, आदरणीय राजू जैन जी जो जनपद सदस्य हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके द्वारा मुचलका लिखवाया गया है कि आप हर्षित बघेल थाना खाने वाला दलित शिवनी पिता का नाम ये वो, आप इस तारीख को जमानत मतलब जमानत में खड़े होंगे, यदि आप नहीं खड़े हुए तो आपकी राशि से, आपकी चल अचल संपत्ति से आप जमानत की राशि काट ली जाएगी। ये मुचलका ही एक प्रकार, कोई एक आध डेट दिए थे थाना प्रभारी के द्वारा आपको, कोई डेट दिया गया था? सर मेरी FIR तो उसी दिन हो गई थी, उसी दिन मेरे को जाना था, पर हमारी पार्टी के लोगों ने भी हाईकमान ने बात की कि आप कार्रवाई कैसे कर रहे हैं लड़के के ऊपर, तो उन्होंने कार्रवाई रोक के मुझे बोला गया कि आप 2-3 दिन में SDM के पास जाना और अपनी जमानत करवा लेना। और अब साहब बोल रहे हैं कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसमें मैं आशंका में हूँ, आशंका है कि कार्रवाई की गई है नहीं की गई, स्पष्ट करे प्रशासन। आदरणीय थाना प्रभारी जी से मेरी बात हुई इस बिंदु पर, तो उन्होंने मेरा ये सवाल था कि आधी रात पर हर्षित बघेल को क्यों उठाया गया, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का ढकोसला दिया, जो कि सरासर इन्होंने असंवैधानिक तरीके से किसी नेता के दबाव में आकर एक जो युवा है, देश की जो शक्ति है, इनको उठाया गया और बेवजह प्रताड़ित किया गया। मैं इस वीडियो के, इस न्यूज़ के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से प्रशासन को सचेत करना चाहता हूं कि बेवजह किसी को प्रताड़ित करना बिल्कुल अन्याय है। किसी नेता, पर्टिकुलर नेता के दबाव में आकर थाना प्रभारी को और काहीवाड़ा पुलिस को आधी रात पर हर्षित के ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहिए। खबर समय जगत के लिए बने रहें भाई बिट्टू जखम के साथ। खबर समय जगत के लिए केवलारी से भाई बिट्टू जख्म की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।